एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स एंड लिसनर्स. दिस इज हिना अफसर, क्लिनिकल डाइटिशियन. और जैसा कि हम जानते हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक में WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक. तो इसी हवाले से हमारी आज की ये वीडियो होगी, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ मिथ्स, न्यूट्रिशनल वैल्यूज और कैलोरीज इनटेक, ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे, बॉटल फीड क्यों नहीं करना चाहिए बेबी को, एंड अ लॉट मोर डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से. जैसा कि अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा और अक्सर पोस्टर्स पे ये बात भी लिखी होती है, दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट आइडियल, सेफ एंड सुपर फूड फॉर योर बेबी. इस वीक, ये जो वीक सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त का फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से, इसमें सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ये कोशिश होती है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, नर्सिंग मदर्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को अवेयर करें कि ब्रेस्ट फीड करवाना क्यों ज़रूरी है. फायदे हर बंदे को पता होते हैं कि जी माँ का दूध बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन आपका मदर फीड का बॉटल मिल्क से क्या कंपैरिजन है? ब्रेस्ट फीड को क्यों प्रमोट करना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके बच्चे को इससे कितना फायदा होता है, उसकी पैदाइश से लेके उसकी पूरी जिंदगी तक. तो हम इन सारी चीज़ों को आज इकट्ठा मिलकर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इससे बहुत सारी आपकी मिथ्स भी क्लियर होंगी और इसके जो आप कह रहे हैं कुछ टेक्निकलिटीज हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं जी, ब्रेस्ट फीड को सुपर फूड कहा क्यों जाता है. यहाँ मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसकी कंपोजिशन, यानी कि जो माँ का दूध है, उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट हर घंटे तब्दील होती है. हर घंटे, हर हफ्ते, हर माह. खुदा का बड़ा खूबसूरत मैकेनिज्म है कि वो जो माँ का जो दूध उतरता है, वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होता है, जो कि हर घंटा, हर हफ्ता और हर महीने बदलता रहता है. इससे सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि जी बॉटल फीड क्यों नहीं करनी चाहिए. बॉटल फीड में आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट में चीजें लिखी होती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, उनका आपके बच्चे की इंडिविजुअल नीड से कोई लेना देना नहीं होता. जबकि मैंने आपको यहाँ पे बात क्लियर की है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसकी कंपोजिशन टोटली वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड नीड. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ब्रेस्ट मिल्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. चाहे आप जितने मर्जी अच्छे महंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज कर लें, आप जितने भी फोर्टिफाइड मिल्क यूज कर लें, जितने भी आप इनरिच्ड मिल्क यूज कर लें, दे आर ऑफ नो यूज. नंबर टू पे बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क के हवाले से. तो ये एक इतना खूबसूरत निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने इसको स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन डिस्कस करें, तो क्या होता है कि जो निप्पल सकिंग एक्शन होता है बेबी का, उससे आपके स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है, वहां से आपकी बॉडी में, जो फीमेल की बॉडी होती है, उसमें प्रोलैक्टिन के लेवल्स इंक्रीज होते हैं और ऑक्सीटोसिन के लेवल इंक्रीज होते हैं. इससे आपका जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लक्स है, वो ज्यादा हो जाता है. मतलब जैसे जैसे आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, वैसे वैसे माँ के जिस्म में जो दूध उतरने की मिकदार है, वो भी ज्यादा होती रहती है, जो कि बिल्कुल बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होती है. बात करें अगर स्टेजेस की, तो तीन तरह से दूध उतरता है. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि दूध की कंपोजिशन चेंज होती रहती है जब आपके बच्चे की पैदाइश होती है. उससे एक से लेकर चार दिन तक जो माँ का दूध आता है, उसको क्लोस्ट्रम कहते हैं. ये स्टेज वन होती है. क्लोस्ट्रम को गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये पीले रंग का होता है. यहाँ पर मैं एक मिथ क्लियर कर दूँ, अक्सर लोगों को ये सोचते हैं कि ये जो दूध है, ये पीले रंग का है, तो ये बच्चे को नहीं देना चाहिए, ये नुकसानदेह है, या इससे बच्चे को भी मसला हो सकता है. बेहतर ये है कि हमारे जो जहन में कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि दूध सफ़ेद रंग का होता है. हालांकि आइडियली मिल्क का कलर लाइट इंक ब्लू होता है. जितना ज्यादा फैट होता है, वो उतना येलो होता जाता है. तो यहाँ पे अगर हम क्लोस्ट्रम के हवाले से बात करें, तो मैंने ये मिथ यहाँ पे क्लियर करूंगी कि क्लोस्ट्रम को बेबी का सुपर फूड कहा जाता है. क्लोस्ट्रम इज नोन एज द सुपर फूड फॉर योर बेबी. ये येलो कलर का अल्लाह ने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आपके पास 90 से लेकर 95% तक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है. देखिए, जब आपके बच्चे की डिलीवरी है, बच्चा माँ के पेट में एक सेफ एनवायरनमेंट में होता है, वहां उसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होता. लेकिन जब वो दुनिया में आता है, तो हमारे एनवायरनमेंट में डर्ट है, पोल्यूटेंट्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत सारी चीजें होती हैं. उन चीजों से फाइट करने के लिए अल्लाह ताला ने क्लोस्ट्रम के अंदर 95% तक इम्यूनोग्लोबुलिन रखी हैं. ये बेसिकली इम्यूनिटी का एक पार्ट है, जो कि आपके बेबी को इम्यूनिटी से, इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत देता है. तो अगर आपने अपने बच्चे को क्लोस्ट्रम नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि आपने उसको इम्यूनिटी का वो पार्ट प्रोवाइड नहीं किया जो उसको मिलना चाहिए था, और ये कमी पूरी जिंदगी उसके साथ चलती है. इसके अलावा क्लोस्ट्रम, जो कि एक से लेकर चार दिन तक आता है, इसकी अमाउंट 10 से 40 ml पर डे होती है. ठीक है, इसमें हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन के अलावा विटामिन ए होता है,
फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लेकिन इसमें जो शुगर का कंटेंट है और जो लैक्टोज का कंटेंट है वो कम होता है, क्योंकि जब बच्चा फौरन दूध पीना शुरू करता है तो वो एकदम से उसका हाजमा इतना नहीं बना होता कि वो फौरन चीजें डाइजेस्ट कर सके। तो अल्लाह पाक ने खूबसूरत निज़ाम को रखा हुआ है कि आपके बच्चे को दूध में वही चीजें मिले जो उसको जरूरत है और जिसको वो इजिली जो है हाजमे के साथ बर्दाश्त कर सके। नंबर टू स्टेज हमारे पास आती है ट्रांजिशन मिल्क की। ट्रांजिशन मिल्क के अंदर अल्लाह ताला क्या करता है कि ये तकरीबन आपका 4 दिन से लेकर 1 माह तक ये दूध आता है, और इस दूध के अंदर अब बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि दूध की स्टेजेस चेंज हो रही है, तो इस दूध के अंदर आहिस्ता आहिस्ता लैक्टोज का, शुगर का और फैट का कंटेंट ज्यादा होने लग जाता है, क्योंकि अब बच्चे को चाहिए कैलोरीज, उसको चाहिए ताकत अपनी नशोनुमा के लिए। तो उसके अंदर हमारे पास ग्रेजुअली प्रोटीन फैट कॉन्टेंट ज्यादा होता है, वाइटामिन का, मिनरल्स का, आयरन का, जिंक का कॉन्टेंट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज होने लग जाता है। नंबर थ्री पे बात करेंगे हम, वो है मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क 1 माह से लेकर थ्रू द लैक्टेशन आता है, और इसकी जो अमाउंट होती है वो तकरीबन 600 से 800 ml होती है। अब देखिए कितना खूबसूरत निजाम है कि क्लोस्ट्रॉम एक कम अमाउंट में आता है, क्योंकि तब बच्चे की नीड्स कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है उसकी नीड्स ज्यादा होती है, तो अल्लाह पाक का जो दूध उतारने का निजाम है वो भी ज्यादा हो जाता है। तकरीबन 600 से 800 ml पर डे ये दूध आता है, और इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट, फैट का कंटेंट और बाकी मिनरल्स और विटामिन्स का कंटेंट बाकी स्टेजेस के मुकाबले में ज्यादा होता है, क्योंकि अब बच्चे की नीड्स ज्यादा हो गई हैं। तो यहाँ पे ये 3 चीजें जो स्टेजेस मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो दूध पिलाते हुए कि आप कौन सी स्टेज में हैं, और इस वक्त आपके बच्चे को वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो दुनिया का कोई भी डब्बे वाला दूध उसको नहीं दे सकता। अब डब्बे वाले दूध की तरफ अगर हम आ जाएं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं, बच्चा रो रहा था उसको दूध दिया तो वो चुप हो गया। देखें, डब्बे वाले दूध का सिर्फ इतना ही काम है कि अगर वो रो रहा है तो बच्चा बच्चे की भूख को मिटा देगा, लेकिन उसका आपके बच्चे की ताकत से, नशोनुमा से, न्यूट्रिएंट से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बच्चे को चुप करवाने के लिए होता है, बस दैट्स इट। ब्रेस्ट मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर मैं बात करूँ काउ मिल्क की, तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जी, भैंस का दूध दे दिया बच्चे को, कोई नहीं ताकतवर है ये। इसमें मैं आपको मेडिकल हवाले से अगर बताऊं तो जो गाय का दूध होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। हम बड़े होकर गाय का दूध पीते हैं, पीना भी चाहिए, लेकिन तब जब आप एक स्पेसिफिक एज में एंटर हो गए हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको मैनेज कर सकता है। जब बच्चा छोटा होता है और आप उसको काऊ का मिल्क देंगे तो उसमें प्रोटीन इतनी ज्यादा है कि वो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और अक्सर बच्चों में डायरिया का मसला देखने में आता है। माओं को नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है, बट उसकी रीजन ये होती है कि आप उसको इतनी हाई प्रोटीन कॉन्टेंट का मिल्क दे रहे हैं कि उसका निजाम जो है जिस्म का उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। नंबर टू, ये बच्चे के जो किडनी में रिनल सोल्यूट का लोड होता है उसको बढ़ा देता है। नंबर थ्री, गाय का दूध में विटामिन सी और आयरन की अमाउंट मदर मिल्क से 90% कम होती है। ठीक हो गया। नंबर टू में बात करूंगी बकरी के दूध की। अक्सर लोग ये भी जो देहातों में उनका ही होता है कि जी बकरी का दूध फायदेमंद है, ये पिला दिया। बकरी का दूध फायदेमंद है, डेफिनेटली है, लेकिन आपके छोटे बच्चे के लिए नहीं। इसके अंदर भी वही मसला है, ये इट इज कंसीडर्ड एज एन एंटीजेनिक टू काउज मिल्क। इसके अंदर भी प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, आपके बच्चे का सिस्टम उसको मैनेज नहीं कर पाता। नंबर टू, जो बकरी का दूध है उसमें 35% कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि मदर मिल्क के अंदर 70-80% कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट एक मेजर सोर्स है एनर्जी का। अगर आप अपने बच्चे को वो नहीं देंगे तो वो क्या सुस्ती, लेथार्जी, वो शुरू से ही जो है ना वो सुस्ती वाले फेज में रहेगा, तो फिर बड़े होकर डेफिनेटली वो चीजें उसके अंदर इम्पैक्ट करती हैं। इसके बाद बात करें हम अगर स्किम मिल्क की, अक्सर लोग कहते हैं कि जी बच्चे को हमने स्किम मिल्क देना है, यानी लो फैट मिल्क देना है। देखें, बच्चे के लिए फैट बहुत जरूरी है। फैट हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट से लेके आपके हार्ट के डेवलपमेंट तक फैट डस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप उसको स्किम मिल्क देंगे डेफिनेटली वो उसके अंदर फैट्स उस तरह से नहीं जाएंगे। नंबर टू, स्किम मिल्क के अंदर विटामिन सी का कॉन्टेंट बाकी चीजों से बहुत कम होता है। तो ये हमने बात कर ली इस हवाले से कि डब्बे का दूध क्यों नहीं देना चाहिए। नंबर थ्री, इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चों को डायरिया, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं परसिस्टेंट डायरिया, अक्सर बच्चे परसिस्टेंट डायरिया का शिकार हो जाते हैं। नंबर टू, जो बच्चे बचपन में डब्बे का दूध इस्तेमाल करते हैं या काऊ मिल्क इस्तेमाल करते हैं, उनका IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट लेवल बाकी बच्चों के निस्बतन कम होता है। ऐसे बच्चों में ओबेसिटी, ओवरवेट और कुछ बच्चों में माल नरिशमेंट देखने में आती है। नंबर थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विटामिन ए डेफिशिएंसी। वो बच्चे जो माँ का दूध नहीं पीते बचपन में, उनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी बाकी बच्चों के निस्बत 80% ज्यादा होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी खूबसूरत रिकमेंडेशन दी है, जिसमें मैं आपको समराइज कर दूं कि नंबर वन, नो बॉटल, नो पैसिफायर, नो काउ मिल्क एंड नो कमर्शियल फूड फॉर द फर्स्ट 2 years इन योर बेबीज लाइफ। इसके लिए हम न्यूट्रिशनल वर्ड यूज करते हैं, न्यूट्रिशन इन योर 1000 डेज।
आपने अपने बच्चे के पहले 1000 दिन में जो न्यूट्रिशन उसको दी है वो पूरी जिंदगी उसके साथ चलेगी। इस स्टेज में जो कमी आ गई, आप जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लें, आप जो मर्जी कर लें, वो आप उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। नंबर 3 जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसीडर करने की, वो ये है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इस टर्म को जितनी भी नर्सिंग मदर्स हैं वो याद कर लें कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि आपने 1 से लेकर 6 माह तक अपने बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, सिर्फ ब्रेस्ट फीड। इसके अलावा आपने उसकी डाइट में कोई चीज ऐड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने 1 से 6 माह तक जो दूध आप बच्चे को पिला रही होती है वो उसकी कैलोरीज के बिल्कुल बराबर होता है। हाँ, 6 माह के बाद आपने अपने बच्चे को सेमी सॉलिड फूड, सॉलिड फूड, रेगुलर फूड इंट्रोड्यूस करवाना है, और इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क फॉर 2 ईयर्स, यानी आपने माँ का दूध पिलाना है 2 साल तक, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ माँ का दूध पिलाना है पहले 6 महीने तक। तो इस चीज को नर्सिंग मदर जरूर हमेशा आपने कंसीडर करके रखना है। ब्रेस्ट मिल्क के हवाले से अगर हम बात करें तो जितने मैंने आपको उसके फायदे बताए हैं, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये होती है कि जो माँ का दूध होता है उसके अंदर लैक्टोफेरिन होता है। ये बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने में हेल्प करता है। ये आपको बाकी डब्बों के दूध में अगर मिले भी तो भी ये आपकी बॉडी में बायो अवेलेबल उतना नहीं होता। नंबर 3, इसके अंदर आपके पास लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियोलाइटिक प्रोटीन है, एक बैक्टीरिया को खत्म करने में जो है वो हेल्प करते हैं। यानी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करते हैं। ये चीजें होगी कुछ इस हवाले से। अब अगर बात करें कुछ फैक्टर्स की जो कि अफेक्ट करते हैं बच्चे की हेल्थ को, मदर, क्योंकि देखिए आपके बच्चे को वो न्यूट्रिशन मिलेगी जो माँ खुद ले रही होगी। माँ का जो टाइम ऑफ द डे है, मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं कि जब माँ अपने बच्चे को सुबह के टाइम पे दूध पिलाती है, सुबह के टाइम पे माँ के दूध में फैट ज्यादा होता है बनस्बतन दोपहर और रात के, और ये एक आइडियल सीन है ह्यूमन फिजियोलॉजी में कि आप सुबह ही, हम जिस तरह नॉर्मल भी बात करते हैं कि नाश्ता अच्छा करना चाहिए, लंच कम, और डिनर में आपको कोशिश करनी चाहिए कम से कम कैलोरीज दें, सेम वैसे ही बच्चे के लिए भी ये बनाया गया है कि सुबह के टाइम पे जो माँ का दूध होता है उसमें फैट ज्यादा होता है और दोपहर और शाम के टाइम पे कम होता है, क्योंकि सुबह के बाद आपकी जो दिन में कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, मदर का मूड, आपका मूड, आपका हार्मोनल इंबैलेंस डज इंपैक्ट योर ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, ताकि आपकी ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी उससे इफेक्ट ना हो। नंबर 3, सिगरेट और स्मोकिंग। वो फीमेल्स जो लैक्टेटिंग हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, अगर वो स्मोकिंग करती हैं या बहुत ज्यादा कैफीन इंटेक करती हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि स्मोकिंग के अंदर मौजूद निकोटीन डायरेक्टली आपके ब्रेस्ट मिल्क से आपके बच्चे तक जाती है। और आप ये देख लें कि अगर एक मदर है वो स्मोकिंग कर रही है, इतने इफेक्ट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है कहीं ना कहीं। लेकिन आपका बच्चा अगर वो निकोटीन ले रहा है उस एज से, तो बड़े होकर उसमें दिल की बीमारियां, शुगर की बीमारियां, एपिलेप्सी, सीरियस एंड लॉट मोर क्रोनिक डिजीजेस का रिस्क 50-60% बढ़ जाता है। समराइज करूँ अगर मैं इस बात को, तो मदर की न्यूट्रिशनल नीड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे 3 चीजें बताना चाहूंगी आपको ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नंबर 1, वो मदर्स जो लैक्टेटिंग है उन्होंने 3 सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करना है। आपके पास आ जाती है पालक, मेथी और तीसरा करेले। ये तीनों चीजें ब्लड प्योरीफायर हैं, मदर के ब्लड को प्योरीफाई करती हैं और बच्चे के ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। बात करूं फ्रूट्स के हवाले से, ग्रेपफ्रूट, चुकंदर और सेब आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, बल्कि मैं तो आपको ये कहूंगी कि आपने रोज 1 गिलास सेब और चुकंदर का जूस लाजमी पीना है, ताकि ये आपकी बॉडी को सारे जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं वो प्रोवाइड करें और आपके बच्चे को भी इससे फायदा हासिल हो। नंबर 3 मैं बात करूंगी नट्स के हवाले से, तो जो बादाम है वो एक्सेलेंट सोर्स है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का, इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। मैं सीड्स के हवाले से बात करूं तो आपने सेसमी सीड, यानी जो तिल के बीज हैं, इसके अंदर विटामिन ई होता है। विटामिन ई प्रेगनेंसी के बाद होने वाले स्ट्रेच मार्क्स की बनावट को कम करता है। नंबर 2, अक्सर फीमेल्स को प्रेगनेंसी के बाद खारिज का मसला होता है, विटामिन ई जो कि तिल में मौजूद होता है ये आपको इन तमाम चीजों से बचाता है। अंडे का इस्तेमाल लैक्टेटिंग मदर्स लाजमी करें, इसके अंदर मौजूद कोलीन जो इसकी अंडे में मौजूद होता है, आपके बच्चे के दिमाग को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बात करूं कुछ हर्ब्स की, तो आपने अदरक का जो इस्तेमाल है, वैसे अदरक बहुत अच्छा है, लेकिन जो लैक्टेटिंग मदर है वो अदरक का इस्तेमाल मॉडरेशन में करें। क्यों? क्योंकि अदरक की एक पंजेंट स्मेल होती है, तेज स्मेल होती है, ये आपके ब्रेस्ट मिल्क में जाके बच्चे की जो भूख है उसको थोड़ा मुतासर करता है। तो इसका इस्तेमाल करें बट मॉडरेशन के अंदर करें, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। एंड पे मेरा मैसेज टू ऑल द नर्सिंग मदर्स वो ये है कि प्लीज अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवाएं। आपको कोई बीमारी है, शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है,
मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं यहाँ पे कि आपके बच्चे को उससे कुछ नहीं होगा। इवन वो माएं, यानी अल्लाह का निजाम देखिए कि वो माएं जिनको खाने को भी कुछ नहीं मिलता, उनकी ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन भी सेम होती है, सिर्फ उसकी यील्ड यानी जिसकी प्रोडक्शन है वो ज्यादा कम हो सकती है, बट अल्लाह पाक ने कंपोजिशन हर माँ में दूध की सेम रखी है। तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जरूर दें, और ये आपके बच्चे का एक सबसे खूबसूरत गिफ्ट जो एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है वो ब्रेस्ट फीडिंग है। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते वो कभी उन बच्चों से मुकाबला नहीं कर सकते जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।